हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं, इनके साथ हम कुछ चर्चा करेंगे कि यहाँ पे इतने सारे जो लोग हैं वो क्यों इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे आज इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए। एक जजमेंट 20 मार्च 2018 उसको लेकर के पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया। उसी क्रम में ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने भी आह्वान किया है, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपनी स्पेशल CL ली है और इस भारत बंद में सहयोग करके भारत बंद को पूर्ण सफल बनाने का प्रयास किया है। कारण ये है कि जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट का जो जजमेंट हुआ है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, क्योंकि इस एक्ट की जो वैलिडिटी है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अन्य जजमेंट में ऑलरेडी टेस्ट की हुई है, चेक की हुई है और इसको सही पाया है। क्योंकि और जो जजों ने जो जजमेंट दिया उसमें कहा गया है कि भाई पहले कोई एक्ट हो जाएगा उसके बाद में मतलब इंक्वायरी होगी फिर अरेस्ट होगा। हमारी मांग ये है कि जैसे पहले कानून था कि कोई अक्यूज्ड अगर थाने में जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है तो पहले जिसने अत्याचार किया उसको बंद किया जाना चाहिए, अरेस्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद में इंक्वायरी होनी चाहिए। जबकि जज साहब कह रहे हैं कि भाई इसका मिसयूज होता है, हम ये कह रहे हैं इसका कोई मिसयूज नहीं हो रहा, पहले तो यूज ही नहीं सीख पा रहे इसका ये लोग, अभी तक तो हमारे थाने में रिपोर्टें दर्ज नहीं हो पाती हैं, जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती तो मिसयूज कहाँ से हो पा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बाबू जगजीवन राम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया था, उसके बाद में क्योंकि वो एक दलित समाज से थे इसलिए उस मूर्ति को गौमूत्र से और गौ के गोबर से धोया गया था। जैसे डॉक्टर PL पुनिया नेशनल कमीशन के चेयरमैन हैं, उनको भी मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। जगन्नाथ पाड़िया जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उनके सम्मान में एक भोज रखा गया था राजस्थान के स्पीकर के द्वारा, तो जब उन्होंने जगन्नाथ पाड़िया ने खाना खा लिया उसके बाद उनकी पत्नी कहती मेरा घर अपवित्र हो गया। तो ये जो एक्ट बनाए सोशल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए बनाए, जिन लोगों का सोशल स्टेटस अपग्रेड हो गया है उनके साथ भी इस तरीके की एट्रोसिटी हो रही है तो कैसे कह सकते हैं इसका मिसयूज हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों का मिसयूज हो रहा है, इसी का ही मिसयूज हो रहा है। ये वही दो जजेज हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के मामले में भी अपना जजमेंट दिया है, टीचर्स के मामले में जो अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन पॉलिसी है उसकी रोस्टर है वो एक यूनिवर्सिटी का एक बनता था, लेकिन उन्होंने जजमेंट देने के बाद में कर दिया कि भाई सब्जेक्ट वाइज रोस्टर बनेगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमारी मांग ये है कि ये जो दो जजों ने जो जजमेंट दिया है पुनर्विचार याचिका दायर कीजिए, पुनर्विचार याचिका वही जजों के द्वारा सुनी जाएगी जिन्होंने ये जजमेंट दिया है। हमारी मांग ये है राष्ट्रपति महोदय से कि इन दोनों जजों पे महाभियोग चलना चाहिए, इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में लाना चाहिए और जिससे कि आगे आने वाले जो जजमेंट देने वाले जजेज हैं वो कोई भी इस तरीके का कानून में रद्दोबदल न कर पाए, क्योंकि ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, जो कुछ भी रद्दोबदल होगा पार्लियामेंट के द्वारा होगा, इनकी तो जिम्मेदारी है कि इसकी व्याख्या ये पालन हो पा रहा है कि नहीं। तो मैं अनुरोध करूंगा पूरे देश में भारत बंद का आयोजन हुआ है तो भारत सरकार से कि इन दोनों जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आना चाहिए। अगर आपकी ये याचिका नहीं मानी जाती है तो आपका आगे का एक्शन प्लान क्या होगा? देखिए याचिका तो हम आपको बता रहे हैं, पुनर्विचार याचिका का मतलब ये होता है कि जिन जजों ने जो जजमेंट दिया है वही सुनेंगे, फिर सरकार कोशिश करेगी क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की, वो भी नहीं मानी जाएगी। तो जब ये नहीं मानी जाएगी तो हम पूरे देश में जो आज भारत बंद का ये आंदोलन हुआ है आप पता करेंगे मीडिया के माध्यम से कि पूरे देश में भारत बंद जो सफल रहा है, बहुत सारी ट्रेनें रोकी गई हैं जिसके लिए हमने पूरा डायरेक्शन दिया हुआ था कि हमारे लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक बंद में भाग लेंगे, कोई भी किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास नहीं करेगा। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो दलितों की संपत्ति का नुकसान होता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई इस तरीके का कांड हो जिसकी वजह से मतलब हम लोगों के ऊपर लांछन लगाया जाए। हम ये शांतिपूर्वक बंद कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और इस कानून को पुनः वैसे ही लागू नहीं किया गया जो पहले था तो हम कोई बहुत बड़ा आंदोलन जो होगा उसमें भाग लेंगे। ये भी देखा गया है कि ये जो गवर्नमेंट है NDA है, इसने पहले भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो बहुत ही एंटी माइनॉरिटीज हैं। आपको क्या लगता है ये एक जो तरह का दबाव है ये एक सरकार से वो क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जो जजमेंट आ रहे हैं ये सारे काम जो है धीरे धीरे कोर्टों के माध्यम से कराए जा रहे हैं,
क्योंकि सरकार डायरेक्टली सामने नहीं आ सकती, सरकार सामने आएगी तो उसकी बदनामी होगी। धीरे धीरे जैसे रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है, उसको जो विभिन्न अदालतें हैं कोर्ट की पूरे देश की, उनको डिफेक्ट करने का कोशिश, मैंने धीरे वो खत्म ही कर दिया गया है। रिजर्वेशन एक तरह से जो अनुसूचित जाति जनजाति को मिलना था वो बंद होकर के अब जनरल को मिलने लग गया है। यानी कि सीधा सीधा ये संविधान पर हमला है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। और जो आज से 100 साल पहले जो समाज था, जिस तरीके से दलित समाज को प्रताड़ित किया जाता था, जिस समय से दलित समाज को शोषण किया जाता था, गले में हाड़ी बांध के पीछे झाड़ू बांध के उनको चलाया जाता था, उनको जमीन पर चलने का अधिकार नहीं था, वही स्थिति लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कल सावित्रीबाई फुले माननीय सांसद हैं, उनके नेतृत्व में लखनऊ के अंदर लगभग 1 लाख लोगों को एकत्रित किया था, जिसमें आरक्षण बचाओ और ये एट्रोसिटी एक्ट एंड संविधान बचाओ भारत बचाओ रैली का आयोजन किया है। और वहाँ आह्वान किया है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इसी तरीके का आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा।